डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ मवाना के ग्राम सटला में अवैध पटाखा कारोबारी को पकड़ने में दरोगा मौके पर जा गिरे। जमीन पर औंधे मुंह गिरने से दरोगा आलोक को चोट आई है, बावजूद इसके आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। दरअसल चांद खां के मकान में शुक्रवार को पटाखों में आग लगने से विस्फोट हो गया था। दरोगा आलोक को सूचना मिली थी कि चांद खान बाजू वाले मकान में छिपा हुआ है। जितनी तेजी से है खबर दरोगा को मिली थी, उतनी ही गति से चांद खां ने भी भीड़ भरी गली में दौड़ लगा दी। उसे कोई मौका न देने की चाह रखते हुए दरोगा ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। एक बारगी उसे पकड़ भी लिया, लेकिन दौड़ने की स्पीड अधिक होने के कारण दरोगा अपना संतुलन खो बैठे और धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। चांद खां भी सरपट वहां से भाग खड़ा हुआ। इस आशय का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया है। चांद खान समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए दोबारा लग रही चुप रहना। पुलिस अपना काम कर रही है, इसका वीडियो बना रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।